प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म नगरी अयोध्या राम भक्तों से खचाखच भर गई है, जो अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है, जो सालों तक टेंट में रहे रामलला को उनके भव्य महल में देखने को लालायित है। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने जानकारी दी है। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर ले। तब तक ये जो हमारे युवा और सही लोग हैं, ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। धन्यवाद। आज भी भीड़ रहेगी। मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, उत्साह के साथ आए, लेकिन हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि सबको एक ही दिन में दर्शन करना है। आराम से, कोई इसमें नहीं है। ये मंदिर हमेशा के लिए और व्यवस्थित रूप से दर्शन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और हम लोग सारी व्यवस्थाएं उनकी करा रहे हैं। भक्त कड़ाके की ठंड के बावजूद हाथों में राम नाम का झंडा ली और मन में श्री राम के प्रति अपार आस्था ली, रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। उन्हें देखकर ठंड में ठिठुरन का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है, बल्कि दिख रहा है कि रामलला की एक झलक पाने का उत्साह। यहाँ पहुंचे भक्तों का क्या कहना है, सुनिए। हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ठंड का क्या मतलब है जी, प्रभु जी का इतना आशीर्वाद है, ठंड का कोई मतलब नहीं है जी। जय श्री राम। ये जोश जो है ये ठंड को खत्म कर देता है जी। जब आप भी इस लाइन में लगोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, आपका भी जोश, ठंड खत्म। आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके लिए हम लोग 2 जन बाइक से आए हैं उड़ीसा से, तो भगवान का फिर से मन कर रहा है कि दर्शन करने के लिए। एक बार दर्शन करने से इच्छा नहीं भर रहा है यार, बहुत आंख में से पानी आ जा रहा है ऐसे, इतना मन ना गदगद हो रहा है इसमें। तो आज भी है ना, 2 बजे से हम यहाँ से खड़े हैं। बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं वहां लाइव प्रसारण लगाया था, LED मैंने मोदी जी का पूरा प्रसारण दिखा रहा था। अंदर से आवाज आई, बेटा आ जा, रामलला के दर्शन करने आ गया। बहुत आनंदमय लग रहा है, ऐसे मानो कि ये कुंभ से बड़ा है, बहुत बड़ा तीर्थ बना दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।